हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। रुपेश की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज जो है ना, हमने कच्चे केले की कोफ्ते बनाए हैं और ये कोफ्ते थोड़े से अलग हैं। हमेशा हम जो है ना, कच्चे केले की सब्जी बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। केले के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर जो मैंने आधा किलो केले लिए थे, इनके साइड के डंठल निकाल के और इनको हमें 2 सीटी में बॉईल करना है पहले। तो मैंने यहाँ पर जो है ना, 1 गिलास पानी डाल दिया और हम इसको 2 सीटी लगा लेंगे। तो 2 सीटी मैंने लगा चुकी हूँ। ये देखिए, इस तरीके से केले हो जाएंगे। अब इनको छील के हमें एक फोक की सहायता से इसको मैश करना है, ताकि जो है अच्छे से बारीक सजे तैयार हो जाएगा हमारा। और बिल्कुल आलू की तरह है ये, आलू की तरह फूटते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया था। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले बन डालूंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ, 1 प्याज थी जो, कुछ हरी मिर्ची और मैंने ये अदरक लहसुन का ये छोटा सा, थोड़ा सा 1 इंच अदरक और लहसुन की 2-4 कलियाँ। तो इनको मैंने कूट के साइड कर लिया था। तो इसमें जो है ना, हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ जो है ना, मसाले डालेंगे। ये मैंने डाली है कस्तूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये हमने डाल दिया हरा धनिया। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब चाट मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और मैं थोड़ी सी इसमें मिर्ची डालूंगी, सॉरी, और ये नमक। और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच भर के बेसन। बेसन आप जो है 3-4 चम्मच भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें बेसन थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। तो गेट केले के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से क्या होगा कि ये जो हमारे जो कोफ्ते हैं, बहुत सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हो जाएंगे। इनमें हार्डनेस नहीं रहेगी। तो इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं, जैसे आलू की और उसकी पिट्ठी बनाते हैं हम पनीर और की। तो इसको हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं हमारे जो केले में मिक्स हो जाए, और जो हमने बेसन डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और बाद में जब इस तरीके से करना, तो आप हाथों से ही करना। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से मैंने इसको किया था। अब इसके बाद हम जो है ना, हाथों पे जो है ना, तेल या घी आप कुछ भी लगा लो, ऐसे अच्छे से लगा लेना। और इसके गोल गोल हमें पेड़े तैयार करने हैं, छोटे बड़े शेप में। आप में जैसे आप शेप आपको पसंद है, उस तरीके से आप बनाइएगा। तो मैं यहाँ गोल में बना रही हूँ, जैसे हम एक रोटी का आटा लेते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, मीडियम साइज के गोले बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से। और हाथों पे घी लगाओगे ना, तो चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने सारे जो है ना बॉल्स तैयार कर लिए हैं। तो तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो मैं सबसे पहले इनको फ्राई करूंगी। अच्छा, गैस को आप जो है ना, हाई फ्लेम नहीं करना, इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो मैं यहाँ पर लगभग सारे डाल दूंगी और इसको जो है ना, 6 से 7 मिनट तक हमें पकाना है। जब हमारे एक साइड से सिक जाएंगे 2 से 3 मिनट में, तो आप इनकी साइड चेंज कर देंगे। अगर आप जल्दबाजी में पकाएंगे तो जो है ना, ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना, हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना। तो मेरे यहाँ थोड़े से नीचे से पक चुके थे, तो मैं इनको साइड चेंज कर रही हूँ, ताकि ये जो है ना, दूसरी साइड से भी सिक जाए। और चाहे तो आप डीप फ्राई कर लेना। मैंने डीप नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं है तेल, उस हिसाब से रखा था। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको मसाले बता रही हूँ। मैंने 2 टमाटर की प्यूरी और 2 प्याज, हमने इनका पेस्ट तैयार कर लिया था। और ये अदरक लहसुन का जो हमने कूट के तैयार किया है। तो यहाँ पर जो है ना, मेरे ये कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। चाहे तो आप इनको ऐसे भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। मैं अगर ऐसे आपको अगर पसंद होगा, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी ना, वो पकौड़ों की बनाऊंगी, जो हम इनको खा के जो चाय के साथ किसी ब्रेकफास्ट में किसी में इसको इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर जो मेरे जो है ना, ये पकौड़े रेडी हो चुके हैं।
तो तेल थोड़ा सा ज्यादा है, हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसी तेल में हम जो है ना सब्जी पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी जो है पकौड़ी बिल्कुल तैयार है कोफ्ते। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल थोड़ा सा कम कर लिया था। अब जो तेल थोड़ा गर्म है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के जीरा। जब जीरा हमारा चटक जाएगा उसके बाद हमने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन जो हमने कूट के तैयार कर लिया था। अब चाहो तो इसको पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हो। और जो मैं बना रही हूँ अब इसको मैं डालूंगी 2 प्याज की। हमने ग्रेवी को अच्छे से पीस लिया था और मैंने ये जो प्याज है ना ये मैं काट के भी ले सकती थी लेकिन मैं नहीं ली क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी थिक चाहिए। तो इसको प्याज को जो है ना हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो प्याज हमारी जो है ना देखिए साइड से जो है ना पकने लगी है मजा की, जो है ब्राउन होने लगी है। तो प्याज हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम क्या करेंगे मसाले डाले हैं। मैंने आधा चम्मच जो है ना ये लाल मिर्ची पाउडर डाला है और ये जो है ना स्पाइसी नहीं है सिर्फ कलर के लिए। ये वाली जो मैंने डाली है ये तीखी वाली है। और 1 चम्मच हम डालेंगे भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी डाला था और नमक डालेंगे थोड़ा सा, या कि मसाले में हमारा पहले से ही हमने जो पकौड़े बनाए थे उसमें नमक डाला था तो इसको जो है ग्रेवी के हिसाब से हम नमक डालेंगे। अब इस मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे। सब्जी बनाने में मेन चीज जो है ना मसाला पकाना होता है। बाकी आप कोई भी सब्जी बनाओ अगर आपका मसाला पका नहीं है तो टेस्ट नहीं आएगा। अब साथ में हम डाल देंगे जो हमने 2 टमाटर की प्यूरी बना रखी थी क्योंकि इसको भी हमें पकाना है। अभी हमें जब तक पकाना है जब तक टमाटर से ये मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता। इसको मैं जो है ना 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। कवर करने से जो है ना तेल थोड़ा ऊपर आ जाता है और एक अच्छा सा जो है ना कलर आ जाता है हमारी मसाले में। तो ये देखिए जो मसाला जो है ना हमारा पक चुका है, इसमें जरा सा भी पानी नहीं है टमाटर का और मसाले बिल्कुल रेडी है हमारे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर। जीरा पाउडर आप इसमें डालिएगा ज़रूर। तो मसाला हमारा जो है कोफ्ते का तैयार है और इसने जो है ना तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी जो है ना हम थोड़ा सा इसमें 1 से 1.25 ग्लास पानी डालेंगे। और अभी इस टाइम पे जो है ना आप ग्रेवी थोड़ी सी पतली ले लीजिएगा क्योंकि जब हम इसमें जो है ना कोफ्ते डालेंगे तो जो है कोफ्ते जो है ना पानी को सोख जाते हैं तो वो थिक ग्रेवी हो जाती है। तो मैंने इसमें 1.25 ग्लास के करीब पानी डाला था। तो अब इस ग्रेवी में हमें क्या एक उबाल लगाना है और उबाल लगाना है हाई फ्लेम पे। हमें एक उबाल जो ना हाई फ्लेम पे लगाना है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ मिनट के बाद उबाल आ चुका था। अब इसको हमने क्या करना है गैस को कर देना स्लो और सिर्फ हमने एक उबाल तक जो है ना इसको पकाया था। अब इसके बाद इसको हम धीमी आग पे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे और कोफ्ते उबाल आने के बाद ग्रेवी में तभी डालिएगा वरना आप पहले डालोगे तो कोफ्ते जो है ना घुल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ग्रेवी में उबाल आ चुका था तो मैंने यहाँ पर इस सभी कोफ्ते को मैं इसमें डाल दूंगी। और मैं आपसे कह रही हूँ ग्रेवी को थोड़ा पतला रखिएगा क्योंकि ये थिक हो जाती है बाद में। तो इसको जो मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और गैस को मैं बंद कर दूंगी जब पक जाएंगे तब। तो यहाँ पर जो है ना मेरे ये देखिए कोफ्ते तैयार हो चुके हैं और मैंने गैस को जो है ना बंद कर दिया था। और ग्रेवी देखिए आप ये देखिए कितनी थिक हो गई है इसकी ग्रेवी। तो मैं इसीलिए आपको बता रही थी कि पानी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। तो ये देखिए जो हमारे कोफ्ते बल्कि तैयार हो चुके हैं। केले की सब्जी तो आप हमेशा ऐसे सिंपल तरीके से खाते ही हो लेकिन कभी इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाँ थोड़ी मेहनत लगती है, वो थोड़ी इजिली काट के बन जाते हैं तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो कोफ्ते हमारे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हो गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।